जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने उपाय लेकर आए हैं वो है शत्रु का, यानी शत्रुनाशक उपाय है दोस्तों, जो कि एक आपको लसन से करना है। और ये जो उपाय है, ये शत्रुनाशक उपाय ऐसा है कि कोई भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जैसे कि आपका कोई शत्रु है, कट्टर शत्रु है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो शत्रु आपसे माफ़ी मांगेगा, वो खून के आंसू रोएगा और वो गिड़गिड़ाएगा आप पर, ऐसे बोलेगा आपको कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह से आपके सामने आकर के वो गिड़गिड़ाएगा। जैसे कि आपका कोई शत्रु है, आप शत्रु कौन होते हैं, जैसे कि आपको कोई नीचा दिखाता है, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको बात बात पर नीचा दिखाता रहता है, या फिर आप दोस्तों के साथ जाते हैं तो दोस्तों में नीचा दिखाता रहता है, या फिर आपका हमेशा बुरा ही सोचता है। जैसे आप गए, आपके जाने के बाद आपके सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन आप जब चले जाएंगे तो उसके बाद आपके ही पीठ पीछे वो छुरा ठोकेगा, मतलब कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेगा और दूसरे लोगों को भड़काएगा आपके प्रति। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो शत्रु होता है। इसके अलावा कि आपके ऊपर किसी तांत्रिक विद्या से, जैसे कि लसन से अधिकतर तांत्रिक विद्याएं होती है, तो लसन से आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, ऐसा काला जादू करवा दिया जिससे कि आप कहीं जा ही नहीं सकते, या फिर आपके सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, आपका धंधा बहुत अच्छा चलता था, इससे वो जलता था और जलन के वश आप पर उसने कुछ किया कराया करवा दिया, या फिर आप से बहुत ज़्यादा वो जलता है, आपकी उन्नति नहीं देखना चाहता, आपको बिल्कुल मरे हुए की गिनती में आप वो निकालना चाहता है कि बस ये तो मर ही जाए बिल्कुल ही, अब हम इसको नहीं देख पाएंगे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आपके सामने बहुत ज़्यादा आपकी काट करना चाहता है, यानी कि आपके जीवन में वो हमेशा बर्बादी ही घोलना चाहता है, आपकी समस्या ही समस्या खड़ी करना चाहता है। तो ऐसे शत्रु को कैसे वश में लें, ऐसे शत्रु को कैसे स्वाहा करें, कैसे भस्म करें, इस तरह का टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको एक लसन से करना है। एक लसन जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है। लसन हर किचन में मौजूद होता है और ये इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री का जो उपाय है, बिल्कुल एक तरह से फ्री का ही उपाय है। लसन की एक कली का क्या मोल है दोस्तों, लेकिन ये लसन की कली हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, हमारे खाने में जायका बढ़ाती है और बीमारियों से हमारी रक्षा करती है, पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है, खून को पतला करती है। लेकिन लहसुन के, ये तो मेडिकल वाले उपाय हो गए, लेकिन यदि लहसुन को हम देखा जाए, आयुर्वेदिक उपाय भी देखे जाएँ, इसके अलावा तांत्रिक उपाय देखे जाएँ, तो लहसुन का तांत्रिक उपायों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लहसुन का प्रयोग जो है वो आधुनिक काल में अब केवल खाने के लिए किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसका उपयोग टोटकों में और उपायों में भी किया जाता था, जिससे कि लोग अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीते थे। अब वो ज्ञान तो अभी की टाइम पर, अभी की जनरेशन में लुप्त होता जा रहा है, तो उस लुप्त होते ज्ञान को बचाने के लिए हमने ये चैनल खोला और चैनल के माध्यम से हम तरह तरह के उपाय, जो कि प्राचीन शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उस तरह के उपाय हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ऐसा ही उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपका शत्रु बिल्कुल आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, खत्म हो जाएगा, आप पर किसी ने भी कोई काला जादू करवा दिया है, या फिर आपकी कोई उन्नति नहीं होने दे रहा, आप जो भी कार्य करते हैं उसको रोक देता है, तो ऐसे शत्रु का नाश होगा इस उपाय से आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपके लिए इसके सामग्री लेनी है, सामग्री में आपको क्या करना है, एक तो आपको लहसुन की कली ले लेनी है। अब ये लहसुन की कली आप अपने पास रखें, एक लहसुन की कली आप रख लें अपने पास, और आप एक को मार्कर लेना है। मार्कर जो होता है, ऐसा पेन होता है जिससे कि, मार्कर आपने देखा होगा, आपको काले रंग का मार्कर लेना है। मार्कर पेन आता है बाजार में, मिल जाएगा आसानी से, 2-5 रुपए का मिलता है। तो मार्कर पेन आप ले लें, काले रंग का मार्कर आप लें, बॉल पेन नहीं लें दोस्तों, बॉल पेन से लहसुन में खड्डा हो जाएगा, उसमें जो हम लिखवाएंगे ना वो नहीं लिख पाएंगे हम। तो बॉल पेन नहीं लें आप, केवल मार्कर ही लें, एक मार्कर ले लें काले रंग का, और एक लहसुन की कली आप अपने पास रख लें, छिलका साथ में रखें दोस्तों, इसका छिलका नहीं उतारना आपको, लहसुन की कली तो लेनी है, लेकिन लहसुन की कली छिलके सहित आपको लेनी है, बिना छिलके की लहसुन की कली आपको नहीं लेनी। अब आपको क्या करना है, आपके हाथ मुंह धो लेने हैं, हाथ पैर धो लें, मतलब कि स्वच्छ हो जाएं, जैसे कि आप ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ भाई हाथ मुंह धोएं या नहाएं, आपको स्वच्छ होना है। अब जैसे आप सुबह सुबह शयन करके उठते हैं, नहा लेते, धो लेते हैं, उसके बाद में दिन भर पोटी भी चले जाते हैं, तो उस तरह का व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता, आपको पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा, यानी पूरी तरह से आपको स्वच्छ होना पड़ेगा, तब जा करके उपाय होगा, है ना। तो आप नहा ही लें, मेरी तरफ से तो आप नहा सकते हैं, पूरे के पूरे आराम से नहा लें, तो फिर आप वो उपाय अच्छा कार्य करेगा। या हाथ पैर धो लें, हाथ मुंह धो लें, अच्छे से धोएं हाथ मुंह भी। अब हाथ मुंह जब आप धो लेंगे, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिन में ही करें या शाम को ही करें, ठीक है। तो टाइम का तो कुछ भी नहीं है, समय का कुछ भी नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, साउथ की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ, आपके घर में जहाँ भी दक्षिण दिशा है उसकी तरफ आपको मूव करके बैठ जाना है आसन लगा के। पहले तो आसन लगा लें, आसन लगा करके दक्षिण दिशा की तरफ मूव करके आपको बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, एक कली लेनी है, वो जो कली आपने अपने पास रखी थी जिसमें छिलका नहीं उतारा था उस कली का, वो कली हो आपको अपने पास लाना है। उस कली को उठाओ, उस कली को आपको उठाना है और उठा करके मार्कर से उस पर लिख देना है 16 का अंक लिख देना है उस पर, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है, 16 का अंक लिख देना है, 16 लिख देना है, 1616 ये लिख देना है। अब उस कली को आपको क्या करना है, उल्टे हाथ की तरफ, है ना, जैसे अपना सीधा हाथ होता है, उल्टा हाथ होता है, दो हाथ होते हैं, तो आपको उल्टे हाथ की तरफ जो आपका घुटना है ना, उल्टे हाथ की तरफ के जो घुटने हैं तो घुटनों के नीचे आपको रख देना है, उल्टे हाथ की तरफ की घुटने के नीचे आपको उसको रख देना है और दोनों हाथ जो हैं अपने वो घुटनों पर रख देने हैं। अब आपको रखना कैसे है, उल्टे हाथ की तरफ जो घुटना है उसके नीचे कैसे रखना है कि आपको नहीं दिखे वो कली, वो लहसुन की कली आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से आपको कली दबा लेनी है घुटने के नीचे, ठीक है। अब कौन सा घुटना, बाएं हाथ का घुटना, है ना, उल्टे हाथ का घुटना, बाएं हाथ का घुटना उसके नीचे आपको रख देनी है और दोनों हाथ आपको घुटनों पर रखने हैं। अब आपको क्या करना है, पालथी मानकर बैठ जाना, आलती पालथी मानकर आप बैठ जाएं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको आंखें बंद कर लेनी है, ध्यान मग्न हो जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, आलती पालती मानकर आप बैठ गए। लहसुन की कली आपने बाएं घुटने के नीचे यानी उल्टे हाथ के घुटने के नीचे, उल्टे हाथ की तरफ के घुटने के नीचे दबा ली थी। अब आपको आंखें बंद कर लेनी है, ध्यान मग्न हो जाना है और अपने शत्रु को आपको विचारना है, शत्रु को मन में आपको विचारना है। अब विचारेंगे कैसे, जैसे शत्रु की जो पुरानी बातें हैं वो आपको विचारनी है, है ना। हमारे जब हम किसी को विचारते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में फ्लैशबैक चल जाता है, एक पिक्चर सी चल जाती है, एक फिल्म सी चल जाती है कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। तो वो चीज़ आपको क्या करनी है, विचारनी है, उसका चेहरा आपके सामने होना चाहिए। उसका चेहरा क्या, वो तो पूरा ही आपके सामने होना चाहिए, वो जो शत्रु है वो पूरा का पूरा आपके सामने होना चाहिए। उस शत्रु को आपको पराजित करना है तो आपको वो शत्रु पूरा का पूरा अपने सामने होना चाहिए। और उसकी कुछ बातें हैं, जैसे एक महीने पहले तक की बातें हैं या फिर दो महीने पहले तक की बातें हैं, जब भी वो मिला था, मान लिया आपसे चार बार वो मिल लिया, तो चार बार तक की जो बातें हैं वो आपको ध्यान करनी है। ये ध्यान लगाने में लगभग 5 मिनट लग सकते हैं, आपको लगभग 5 मिनट तक आपको ध्यान करना है और शत्रु को विचारना है और उसका जो नाम है वो आपको विचारना है। मुँह से नहीं निकालें, नाम को मुँह से नहीं निकालना, मुँह से तो केवल एक आपको एक मंत्र निकालना है जो मैं मंत्र देने वाला हूँ अब आपको, ठीक है। अब आपको यह मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों इस मंत्र को आपको आंखें बंद करके पढ़ना है। अब आंखें बंद करके पढ़ना है तो आप इसको रट लीजिए, सीख लीजिए, तो आप कॉपी पेन में इस कॉपी पेन से इस मंत्र को लिख सकते हैं, है ना। कॉपी पेन उठाइए और इस मंत्र को आप लिख लीजिए, तो जब आप इसको याद कर लेंगे तो आंखें बंद करने के बाद भी इसको आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो यह मंत्र कौन सा, अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, उसका मतलब भी बताने जा रहा हूँ। तो आपको लिखना है, आपको बोलना है, ओम ह्रीम क्रीम अमुक चक्षु विनाशाय फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम अमुक चक्षु विनाशाय फट स्वाहा। अब ये जो अमुक मैंने बोला ना, ओम ह्रीम क्रीम के बाद अमुक बोला है मैंने, तो अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लेना है। जैसे मान लो शत्रु का नाम अजय कुमार है या सुनील कुमार है, जो भी है शत्रु का नाम, ABCD, जो भी शत्रु का नाम है, उस शत्रु का नाम अमुक की जगह आपको लेना है। जैसे मैं आपको अजय कुमार के लिए करके बताऊं, तो ओम ह्रीम क्रीम अजय कुमार चक्षु विनाशाय फट स्वाहा। इस तरह से आपको अमुक की जगह उस शत्रु का नाम ले लेना है। आप कब लेना है, जब आप पूरी तरह से विचार लेंगे शत्रु को, अपने माइंड में इमेजिन कर लेंगे कि हाँ भाई ये शत्रु था और इसने ऐसी ऐसी बातें हमसे कही थी जो कि शत्रुता योग्य थी और हमें लग रहा था कि ये हमारा शत्रु है, तो तब आपको बैठ करके इस तरह का आपको मंत्र बोलना है, ठीक है। अब जब जैसे ही आप ये मंत्र बोलेंगे, तो मंत्र बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने मंत्र बोला तो मंत्र, अब आपने मंत्र तो बोल लिया, मंत्र बोलने के बाद आपको ध्यान मग्न हो जाना है। अब ये मंत्र कितनी बार बोलना है, ये मंत्र आपको बोलना है लगभग पाँच बार या 11 बार आप मंत्र बोल सकते हैं, आप 11 बार भी बोल सकते हैं, 5 बार भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब आप क्या करें, अब आप अपनी जगह से उठें और उठ करके आपको वो लहसुन की कली उठा लेनी है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों,
जब आप खड़े होंगे अपने स्थान पर तभी लहसुन की कली उठानी है, उठने से पहले आपको लहसुन की कली नहीं उठानी है। तो लहसुन की कली कब उठानी है, जब आप उठ जाएं एक बार, उठ जाने के बाद आपको लहसुन की कली को उठा लेना है और उसे एक कागज की पुड़िया में बांध लेना है। आप कागज की पुड़िया में बांध करके आपको लहसुन की कली बाहर ले जानी है, या तो आप बाहर ले जाएं, सुनसान जगह पर ले जाएं कहीं बाहर, या फिर आप उसको बाथरूम में ले जा करके उसको जला दें, अपने शौचालय में ले जाकर उसको जला दें। जला करके जो उसकी राख बचेगी उसको आप टॉयलेट में फ्लश कर दें, या फिर आप बाहर ले जा रहे हैं तो बाहर ले जाकर भी उसको जलाना तो पड़ेगा, तो आप जला दें और जलाने के बाद उसको गड्ढा करके ज़मीन में उसको मिट्टी में दबा दें, और फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ इधर उधर देखे, पीछे भुने आप सीधे आ जाएं, नाक के सीधे सीधे आ जाएं, सीधे घर पे आ जाएं। और यदि आप फ्लश बाथरूम के फ्लश में कर रहे हैं तो बाथरूम के फ्लश को पूरी तरह से साफ करके, पूरी तरह से मतलब पानी वगैरह डाल करके उसकी राख पूरी तरह से बहा करके और फिर बाहर आ जाएं, बाथरूम से बाहर आ जाएं। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो उसकी ऐसी दुर्दशा होगी, वो मतलब दया की भीख मांगेगा दोस्तों। आपको खबर आ जाएगी कि इस शत्रु का जो है इस तरह का विनाश हो गया है, इसका जो शत्रु है जो पूरी तरह से ज़्यादा बोल रहा था पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, वह शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएगा वो शत्रु। तो दोस्तों आपको इस तरह से ये उपाय करना है, और ये बहुत ही कारगर उपाय है लहसुन का, क्योंकि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो भी लहसुन के आगे नहीं टिक पाते हैं, उनको भी इस तरह के उपाय हम बताते रहते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो जो लहसुन का उपाय करवाते हैं, तो यदि जिस शत्रु ने आप पर लहसुन वाला तुई का टोटका करवा रखा होगा तो वो टोटका भी इससे खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस टोटके के बाद उस शत्रु की तो ऐसी दुर्दशा होगी होगी, लेकिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, आप पर जो भी किया कराया था वो भी खत्म हो जाएगा लहसुन के जलाने के साथ ही, क्योंकि लहसुन की कली में जो भी टोटका और जो भी नकारात्मकता है वो नकारात्मकता लहसुन की कली में आ जाएगी और लहसुन की कली जल जाएगी, तो आग के हवाले हो जाएगी, आग के सुपुर्द हो जाएगी, तो वो जितनी भी नकारात्मकता है वो तो खत्म होगी होगी, साथ में उस शत्रु पर भी बला जाएगी जो कि आप पर कुछ करवा रहा था, आप पर जो फेंक रहा था। तो दोस्तों इस तरह से लहसुन की कली का एक बहुत ही अचूक और अमोघ उपाय हमने आपको बताया है, जो कि बहुत ही कारगर है, तो आप इसे ज़रूर करें और अपने आप को बहुत अच्छा बनाएं, अपने आप को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।